सो हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया मजे में। इसी के साथ दिस इज राजन, वेलकम बैक टू द चैनल आसी व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई है सुबह 8 बजे, अभी 8:30 बज गए हैं। अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद मुझे जाना है अपने लिए कुर्ता लेने। मैं भूल गया था बिकॉज अभी हल्दी का फंक्शन है। कल रात को आपने देखा मेहंदी का फंक्शन, बढ़िया भाई, मस्त पार्टी हुई, काफी मजा आया भाई, बहुत डांस किया, बहुत मतलब हद मजा ही आ गया बिल्कुल। तो गाइस अभी मैं आया था बाहर कुर्ते लेने के लिए, अभी तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, यहाँ पे मॉल्स भी बंद है, और फिर मैंने सोचा सीएनजी डाला लेता हूँ। अभी मैंने सीएनजी डाला है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ हवा महल की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, मैंने कहा वहीं से देख लेंगे और घूम भी आएंगे और आपको भी दिखा दूँगा। और ये देखो सामने कोई किला है, ये अब मुझे नहीं पता ये कौन सा किला है, बढ़िया है पर सामने। गाड़ी लास्ट जो हम आए थे हमने यहीं पे देखे गाड़ी पार्क कर दी थी पास पे। और ये देखो गाइस सामने ये पूरी मार्केट है हवा महल के पास, इस जौहरी बाजार। हाँ ये देखो, ये पूरा जौहरी बाजार अभी तो बंद है सारा, पर भाई सच में बहुत सही बाजार है ये। शॉपिंग पार्ट इज डन, और मैंने एक कुर्ता लिया है और एक चप्पल ली है नीचे पहनने की, बढ़िया है ना। शॉपिंग के बहाने हवा महल भी देख लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया, आपने वैसे देखा होगा कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो मुझे थैंक यू लिख देना कमेंट में, ओके। अभी यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, भैया का फोन आया था, कह रहा कहाँ पे हो, मैंने कहा बस पहुँच रहा हूँ, कह रहे ओके आ जाओ, फटाफट चलते हैं, तैयार होते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, देखो मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बता देना प्लीज़। चलिए तो आप दो टीम्स डिवाइड कर लेते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम को बुलाते हैं सेंटर में। सो आई रिक्वेस्ट ब्राइड एंड ग्रूम तुषार एंड श्रेया यहां पर आ जाओ। घमासान मुकाबला होने वाला है लड़की वालों और लड़के वालों के बीच में, तो सारे लड़के वाले रहेंगे इस तरफ, दूल्हे के साइड तुषार गैंग कहां है, थोड़ा शोर मचा करके बॉस। अब बात करते हैं आपके जोश की, कौन कितना एक्साइटेड है। तो अभी एक क्विज करने वाले हैं, जिसका साउंड सबसे ज्यादा लाउड होगा और हवा महल तक गया वो विनर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। अपनी अपनी टीम से सदस्य भेजेंगे इस आध्यात्मिक स्टेप के लिए। पहुंचने ब्रदर राज भाई, इनके डांसिंग टैलेंट का क्या राज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी, गिव इट अप फॉर राज, क्या बात है, शानदार डू गैप टू गैप करे रे नहीं तो अभी विनर डिसाइड नहीं होना, फालतू फिक्र कर रहे हैं, अभी तो डिसाइड होगा जो सबसे ज्यादा लोगों ने कॉपी किया हाई गर्मी का स्टेप। देखिए असली दोस्त चाहे कितना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे मुश्किल वक्त में, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो दोस्त की शादी में हाई गर्मी वाला स्टेप करके जाए। आपकी टीम से कौन आ रहा है भाई हाई गर्मी का स्टेप करने के लिए? वेरी नाइस, आज तक इतना प्रोग्राम हुए लेकिन कोई फीमेल आकर के ये स्टेप नहीं करी सिवाय कमल, एक कमल है दूसरी जो जिसने ये गाना किया था नौरा जी। चलिए देखते हैं, एक नारी इन सब पे है क्या भारी, तुम किससे वर्जन करोगे भाई? नहीं नहीं इनको कॉपी नहीं करना, अपन को नौरा जी को कॉपी करना है भाई। लेडीज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उनका स्टेप कॉपी करेंगे, अपन अपना वाला करेंगे, ओके। देखते हैं किनका स्टेप में सबसे ज्यादा हुटिंग आती है। म्यूजिक बंदी तू पे धरती है
चीज तकलीफ दे रही, निकलवा क्यों नहीं देते? चलिए जोरदार तालियां हो जाए कमॉन इनके लिए। लेकिन 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 देखिए, जिन्होंने थ्रू आउट द सॉन्ग जितने भी चले सिग्नेचर स्टेप किए श्रेया एंड टीम ने, सबसे ज्यादा जोरदार तालियां। बट लास्ट में जो बाजी मारी है सिग्नेचर, अरे सुनो तो सही, लास्ट में जो बाजी मारी है लेकिन जिन्होंने सिग्नेचर स्टेप किया कंप्लीट, वो थे लड़के वाले। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स दे आर द विनर। चलो चीटर के नाम से सही, एटलीस्ट यू गाइस कैन स्क्रीम ना, वरना आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों की। जैसे किसी को भेज दीजिए, आप अपनी टीम से कोई भी एक पार्टिसिपेंट भेज दीजिए, जिसको वो डायलॉग सबसे पहले चमकता है वो चेयर पर बैठ जाएगा। चलिए स्टार्ट। बैठ जाओ। कान में क्या बताया भाई? नहीं नहीं, कान में थोड़ी बतानी है, खुफिया बातें थोड़ी है, बैठना तो चौड़ में कह सकते हैं, ये नहीं माना जाएगा, वापस खड़े रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाथ उठा लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, आप एक आप एक आपका भी माफ किया था, इनका भी करते हैं। चलिए स्टार्ट। हेलो, बस उन्होंने बताया हम आपके हैं कौन, इज द राइट आंसर। मैंने नहीं देखा बॉस यार, आई डिडंट सी हर। उन्होंने बताया। और यहाँ पर लड़की वालों को +5। पहले आने के चक्कर में स्कोर 25 और आप लोग 15 पे। चलिए स्टार्ट। इतना आसान नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई। बताया। भटिंडा पहुंचाओगे? और बताया नहीं बोल सकते। हाँ, +5 ठीक है, माफ कर दो, नेक्स्ट वाले में खेलते। देखो मेरी प्लेट पूरी सज चुकी है, बढ़िया एकदम। सो गाइस, अ बिग बाइट ऑफ दालबाड़ी चूरमा। मस्त है। थाली में मेरे को पूरा तो नहीं पता, पर कुछ कुछ बता सकता हूँ। ये तो रोटी, पापड़, चावल, फिरनी, ये चारों चूरमा है, ये कढ़ी है, खीर, गट्टे की सब्जी, पनीर की सब्जी और दाल। और गाइस, खाना बहुत निक्का है, मतलब मुझे अभी बताया यहाँ पे भैया ने कि राजस्थानी में बोलते हैं अच्छे खाने को निक्का खाना। सो गाइस, अब हम मिल रहे हैं सीधा शाम को, और अभी यह रिंग सेरेमनी है, उसके लिए तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है बिल्कुल। कमेंट करके बता देना कि कैसे लग रहा हूँ। तो हेयर स्टाइल तो नहीं बनाया, बट ठीक है जैसा भी है अभी, और सब लोग निकल चुके हैं। मेरे थोड़ा समय दर्द हो गया था इसलिए वहाँ के लेट गया, अभी थोड़ा एक घंटे की नींद दिया, फिर उठ के अभी फटाफट रेडी होकर अब जा रहा हूँ। भाई बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है यार यहाँ पे, कुछ इस तरीके का है, और आज है म्यूजिकल नाइट।